हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल बिल्कुल रबड़ी के स्वाद वाली सेब या एप्पल के खीर की रेसिपी। तो आप इस खीर को फलाहारी खीर भी कह सकते हो, क्योंकि इसे बनाने के लिए मैंने किसी भी तरह के अनाज का यूज नहीं किया है। तो सेब और दूध से बनी इस फलाहारी खीर को आप नवरात्रि या व्रत उपवास में बनाकर भगवान के भोग या खाने के लिए बना सकते हो। तो इस खीर को मैं कुछ टिप्स के साथ इस तरीके से बनाऊंगी कि ना तो ये एप्पल की खीर खराब होगी ना फटेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। गैस पर मैंने एक पैन में 1 लीटर फुल फैट मिल्क चढ़ा दिया है, तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस खीर को बनाने के लिए आप फुल फैट मिल्क का ही यूज करें, इससे खीर काफी टेस्टी बनती है। दूध में यहाँ पर उबाल आ गया है, इसे मिक्स कर लेंगे। तो दूध को हमें बीच बीच में तले तक इसी तरीके से चलाते रहना है। तो इस तरह के स्पैचुला से इसे तले तक चलाने में काफी आसानी रहती है। तो बीच बीच में आप चाहो तो किचन का दूसरा काम भी कर सकते हो, पर पहले स्पैचुला को इस तरह से रख लें ताकि जो दूध है वो गिरे ना। तो इस दूध को मैं यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा होने तक कुक करूंगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में हमें इस दूध को चेक भी करते जाना है। तो दूध हमारा बिल्कुल भी नीचे तले पर लगना नहीं चाहिए और जलना नहीं चाहिए, इस बात का हमें यहाँ पर खास ध्यान देना है। तो दूध के अलावा मैंने यहाँ पर ये 20 काजू लिए हैं, जिन्हें 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा था। तो 1 घंटे बाद यहाँ पर जो काजू हैं बहुत अच्छे से भीगकर फूल चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर इन्हें छोटे वाले ग्राइंडर जार में डालकर इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने काजू को रुक रुक कर 3 से 4 बार ग्राइंड कर लिया है। तो इसे मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काजू का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इसे मैं साइड में रख लूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये 2 मीडियम साइज के सेब लिए हैं। तो सेब को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, तो अब मैं यहाँ पर इन्हें पीलर की हेल्प से पील कर लूंगी। आप चाहो तो इन्हें चाकू से भी छील सकते हो। तो इस खीर को बनाने के लिए आप इस तरीके के लाल रंग के मीठे सेब का ही यूज करें, इससे खीर टेस्टी बनती है। तो दोनों सेब को मैंने यहाँ पर पील कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूंगी। तो चारों साइड से हमें इस तरीके से सेब को ग्रेट कर लेना है। तो दोनों सेब के बीच वाले पोर्शन को मैंने डिस्कार्ड कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों सेब ग्रेट हो चुके हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून घी। घी को यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देंगे। दूध वाले पैन को मैंने पीछे वाले गैस पर ट्रांसफर कर लिया है, लेकिन बीच बीच में दूध को भी हमें यहाँ पर चेक करते जाना है। तो घी गर्म होने के बाद इसमें मैंने ग्रेट किए हुए सेब डाल दिए हैं। सेब को अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे। तो इस घी में हमें सेब को अच्छे से भूनना है। तो इन्हें मैं तब तक कुक करूंगी जब तक कि इनका जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस ना हो जाए। तो अगर हमने इन्हें अच्छे से कुक नहीं किया तो दूध में इन्हें डालने के बाद खीर फट सकती है, तो इस बात का हमें यहाँ पर खास ध्यान देना है। तो सेब यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, इनका जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो चुका है। इसे मैं आपको स्पैचुला से पास से दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें साइड में रख लूंगी। तो दूध को उबलते हुए यहाँ पर 20 से 25 मिनट का समय हो चुका है। तो दूध को मैं यहाँ पर चेक कर लूंगी। तो दूध यहाँ पर अपनी क्वांटिटी से आधे के लगभग रह चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी काजू का पेस्ट जिसे हमने बनाकर तैयार किया था। तो इस पेस्ट को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो इसे डालने से इस खीर में बहुत जल्दी गाढ़ापन आएगा, जिससे हमें इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा इस सेब की खीर में। तो कंटिन्यूअसली चलाते हुए हमें यहाँ पर इसे कुक करना है ताकि जो काजू का पेस्ट है वो नीचे तले पर लगे ना। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट बाद इस तरीके से इसमें काफी गाढ़ापन आ गया है। तो इसे मैं आपको स्पैचुला से दिखाती हूँ।
तो अब मैं यहाँ पर इसमें मिठास के लिए ऐड कर रही हूँ ये 1/3 कप या फिर 5 बड़े चम्मच चीनी। तो चीनी की ये क्वांटिटी मेरे हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें मैंने 10 से 15 दूध में भिगोए हुए केसर के धागे डाल दिए हैं। साथ ही इसमें ऐड करूँगी ये 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। तो अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे। केसर डालने से टेस्ट के साथ ही कलर भी बहुत अच्छा आएगा इस खीर में, लेकिन अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे और कुक किया है और इसमें इस तरीके से काफ़ी गाढ़ापन आ गया है। ठंडी होने पर ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर बंद कर लूँगी और इसे थोड़ा ठंडा होने दूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सेब जिन्हें हमने घी में रोस्ट किया था। साथ ही इसमें ऐड करूंगी ये कटे हुए बादाम और पिस्ता। तो आप अपनी पसंद के कोई और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। तो इन्हें यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही हमें इसमें सेब को ऐड करना है, ताकि जो हमारी ये सेब की खीर है वो फटे ना। तो इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी दूध और सेब से बनी ये रबड़ीदार खीर बनकर तैयार हो गई है। तो इसे मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ इस सर्विंग बोल में। तो इसे मैं गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बादाम और पिस्ता से, ताकि दिखने में भी हमारी ये सेब की खीर काफी अट्रैक्टिव लगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से सेब की इस सात्विक या फलाहारी खीर की इस रेसिपी को एक बार अपनी फैमिली के लिए जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।